अब देखो देखो देखो, आज गर्म इतना है ना कि मेरा फोन बोल रहा है कि भाई आज वीडियो शूट मत कर और मुझ पे रहम कर। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, वीडियो बनाकर ही रहूंगा। तो गाइज, इसीलिए हम लोग आज आ चुके हैं सियालदा स्टेशन के यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग जाने वाले एक भैया के दुकान के यहाँ पे, जो कि टोटली पूरा वेज सैंडविच बनाते हैं और काफ़ी पॉपुलर है एरिया में, उस एरिया में। तो चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर चल के बात करते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया के दुकान में हम लोग पहुँच के बात करते हैं, ये देखो हम लोग आ चुके हैं भैया के दुकान में। और इनका दुकान छोटा सा स्मॉल सा है, दुकान का नाम है फूड सैंडविच फास्ट फूड। जैसे कि देख सकते हो भैया का दुकान का मेन्यू, और इस मेन्यू में आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जितना भी आप लोग को यहाँ पर सैंडविच मिलेगा वो सारा का सारा वेज है। नॉनवेज इनका दुकान में नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। नॉनवेज क्या नहीं रखते हैं? नॉनवेज खाने वाला लोग नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप खाते हैं कि नहीं नॉनवेज? कॉर्न मैगी मिल जाएगा, गार्लिक वेज कॉर्न सैंडविच है, ठीक है, 65 रुपीज हाईएस्ट। यहाँ पर भैया जो है सबसे पहले सारे वेजिटेबल्स को जो है वो काट ले रहे हैं। वेजिटेबल्स को काटने के बाद जो है यहाँ पर मेयोनीज डाल दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अच्छी तरीके से जो मेयोनीज को मिक्स कर दिया जा रहा है। अच्छा, मेयोनीज को जो यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है, अब दोबारा से फिर से मेयोनीज इसको ऊपर डाला जा रहा है, और यहाँ पर फिर से मेयोनीज को जो है मिक्स किया जाएगा। अब देखो, इसमें इतना सारा मेयोनीज डाला जा रहा है ना, शायद ही हम लोगों ने इतना सारा मेयोनीज एक बार में खाया होगा। अब दोबारा से जो है मेयोनीज के जो है वो मिक्स किया जा रहा है अच्छी तरीके से। ये देखो आप लोग, अब ये जो है मिक्स हो गया है। अब मिक्स होने के बाद ये देखो आप लोग, पूरी तरह से वाइट वाइट एकदम दूध की तरह आप लोग को दिखाई देगा, ये देख सकते हो आप लोग। आप जो है ब्रेड निकाल करके ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से जो है बटर जो है मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स कर लेने के बाद 3-4 मेरे ख्याल से ब्रेड है, और मिक्स करने के बाद उसके ऊपर जो वेजिटेबल्स में जो है वो मेयोनीज डाला गया था वो वाला वेजिटेबल्स को ब्रेड के ऊपर डालकर अच्छे तरीके से और उसे ओवन के अंदर डाल दिया जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग, इसके भीतर डाल दिया गया है। जैसे चीज़ डाला जा रहा है, ये वाइट वाइट जो आप लोग देख रहे हो ये चीज़ डाला जा रहा है। ये जब ओवन में डाला जाएगा तो ये पिघल जाएगा और इसका हल्का सा एक टेस्ट जो है वो ऊपर में बना रहेगा। फिर से ऊपर में मेयोनीज डाला जा रहा है, और यहाँ पर आखिरी में जो है ऊपर से बटर डाल दिया गया है। अब जो है 1 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। एंड फाइनली जो है देख सकते हो हम लोग का रेडी हो चुका है सैंडविच। यहाँ पर हमारा सैंडविच जो है देख सकते हो रेडी हो चुका है पूरी तरह से, जिसमें कॉर्न और बहुत सारा वेज को डाल करके बनाया गया, जिसमें अलग से जो है यहाँ पर चटनी दिया गया, यहाँ पर धनिया पत्ता का चटनी है और टमाटो सॉस भी है, ठीक है। और यहाँ पर साइड में जो है ये चिप्स दिया गया। भैया के यहाँ पर खास बात यह है कि इनका जो दुकान में सिर्फ सैंडविच ही मिलता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। सैंडविच देखोगे अगर तो इसमें भाई, इसमें ना इतना ज़्यादा मेयोनीज अभी मैं देखा हूँ डालते हुए भैया को, जो मत पूछे, तो बहुत ज़्यादा इसमें मेयोनीज है और देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा है, ज़्यादा ना बोलते हुए। टेस्ट जो है वो पूरी तरह से रेस्टोरेंट वाला है, जिस तरह से इसमें मेयोनीज डाला गया और बहुत सारे इसमें सलाद वलाद में सब जितना सारा चीज़ मिक्स करके डाला गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हाल ही में जो है एक रेस्टोरेंट में जाकर के सैंडविच करता और वैसा ही टेस्ट जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, एकदम मस्त है। वेज सैंडविच जो है ऐसा ही होता है और एकदम मस्त टेस्ट लग रहा है। मैं बोलूँगा भैया को जो है नॉनवेज भी ट्राई करना चाहिए, ये नॉनवेज एकदम नहीं बनाते यहाँ पे, तो नॉनवेज अगर जो ट्राई करते तो कैसा होता, ये सोचता था। नॉनवेज भी बना सकते थे लेकिन है ठीक ही है। इनके दुकान के बारे में गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, इनका दुकान जो है वो दमदम के जस्ट, मुँह से बार बार दमदम निकल गया, दुकान जो है सियालदा के जस्ट स्टेड वाले रोड के साइड में ही है, और लोकेशन मैं दे दूंगा, आप लोग चाहो तो वहाँ से आ सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने भैया का सैंडविच ट्राई कर लिया और टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल आप लोगों को हम लोगों ने सारी चीज़ें दिखाई, एंड यहाँ पर आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा भैया से, भैया को जरूर बोलना चाहूँगा कि आप ना थोड़ा वेज वाला, नॉनवेज वाला भी थोड़ा सैंडविच ट्राई कीजिए, समझे ना, कर देंगे, चालू करेंगे। हाँ, नॉनवेज वाला थोड़ा चिकन सैंडविच और ये जो थोड़ा मिक्सअप है ना वो सब ट्राई कीजिए ना, बर्गर चिकन सैंडविच, आपका सैंडविच जो है रेस्टोरेंट से कम नहीं है कोई। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया एंड बाकी आप लोगों को यही सारी चीज़ें दिखानी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।